कई देशों में जीवन सामान्य होने के बीच कोरोना वायरस की वजह से लगाए गए प्रतिबंधों में राहत दे दी गई है, वहीं एशिया में संक्रमण के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं और अगर सावधानी नहीं बरती गई तो मुमकिन है कि दुनिया कोविड-19 की एक नई लहर जल्द ही देखेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के साथ ही कई वैज्ञानिक पहले भी इसकी चेतावनी देते रहे हैं। चीन में ओमिक्रॉन स्वरूप के हिस्से BA.2 ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश में कोरोना वायरस की इस नई लहर के लिए स्टेल्थ ओमिक्रॉन को जिम्मेदार बताया जा रहा है। ऐसे में लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये स्टेल्थ ओमिक्रॉन क्या नई मुसीबत है। तो आपको बता दें कि ये कोरोना का कोई नया नहीं बल्कि वही BA.2 वेरिएंट है जिसकी वजह से भारत में तीसरी लहर आई थी। दरअसल ओमिक्रॉन के स्वरूप को विशेषज्ञों ने कुछ अनुवांशिक बदलावों के कारण स्टेल्थ वेरिएंट नाम दिया है। ओमिक्रॉन के मुकाबले BA.2 वेरिएंट अधिक तेजी से फैलता है। स्टेंटन सीरम इंस्टीट्यूट के नेतृत्व में किए गए एक शोध की माने तो SARS-CoV-2 वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप का एक उपस्वरूप BA.2 के मूल स्वरूप वेरिएंट से कहीं बल्कि अधिक संक्रामक है। BA.2 वेरिएंट 39% की मारक क्षमता के साथ लोगों को अपनी चपेट में ले लेता है। BA.2 के कम समय में ज़्यादा लोगों को संक्रमित करने की मुख्य वजह भी यही मानी जा रही है। कई देशों में बढ़ रहे हैं मामले। US टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के आंकड़ों के अनुसार UK, नीदरलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और इटली में पिछले सप्ताह कोरोना के मामलों में वृद्धि देखी गई है। जिन देशों के डेटा के मामले में वृद्धि हुई है उनमें से कुछ ने आयरलैंड, UK और नीदरलैंड सहित अस्पताल में भर्ती होने में भी वृद्धि देखी है। कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।